वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सेवीज बाय शेफ सुमैरा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं दो चार दिनों के लिए फैसलाबाद और लाहौर आई हुई थी। यहाँ पर फैसलाबाद में मेरी मीटिंग थी, तो अब लाहौर का फैसलाबाद का व्लॉग तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि वह बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा था। बट ये आपको मैं ज़रूर बता दूँ कि बहुत ज़बरदस्त सी दो रेसिपीज़ मैंने खाई हैं, सीखी हैं, जो कि आई कॉन्ट वेट टू गेट बैक और आप लोगों के साथ वो शेयर करने के लिए फैसलाबाद की स्पेशलिटी है। आज मैं इधर आई हूँ ओरिगा, जहाँ मैं और मम्मी यूजुअली जब लाहौर आते हैं तो शॉपिंग के लिए आते हैं। तो आप लोग भी जाहिर सी बात है साथ साथ ही रहेंगे मेरे पूरे ट्रिप पे। मेरे दो दिन का ट्रिप है आज और कल, तो आज देखते हैं ओरिगा में कुछ नया आया है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने प्लाजा को भी देखा है कराची के मशहूर शॉपिंग मॉल को, तो वो ही देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ नई चीज़ है या नहीं है। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, ये ओरिगा की फर्स्ट शॉप है, यहाँ से मम्मी यूजुअली हमारी चीज़ें हम लोग यहीं से लेते हैं। तो ये भाई है, ये देखें, ये भी आपने देखा होगा कि ये मैंने पहने थे, हमने आपको अपनी लाहौर की शॉपिंग व्लॉग में भी दिखाया था ये वाले आउटफिट। आज मैंने कहा फिर मैं यहीं से आके देखती हूँ भाई नया क्या आया। ये तो हमारे पास है थ्री पीस, नहीं टू पीस में या वन पीस में देना। ये कपड़े के अंदर ही सेल्फ बना होता है। बिल्कुल। तो इसमें कौन कौन से प्रिंट्स हैं? ये प्रिंट अवेलेबल तो सारे और ये बाकी ये सारा वन पीस, ये वन पीस है सारा। ब्लैक एंड वाइट आजकल चल रहे हैं। ये क्या है भाई? ये थ्री पीस सूट, थ्री पीस है ये। ये शर्ट है डायमंड ब्लॉन्ड और ये दुपट्टा है। इसमें कलर्स हैं और इसमें सारे। और ये इसकी प्राइस क्या है? ये सारे कलर, ये भी और ये कलर जी। ये मैं यहाँ से ओरिगा से निकल ही रही थी तो ये दुपट्टों पे मेरी नज़र पड़ी है। भाई ये कितने के दुपट्टे हैं? 2700। और कहाँ के हैं ये? ये इंडियन दुपट्टे। ये ब्यूटीफुल हैं, ये देखें इतने प्यारे लग रहे हैं। और है वैरायटी इसमें? कलर्स कितने, ओ वाओ वेरी नाइस। कितने खूबसूरत है, आई एम श्योर आपको भी। ये भाई हमारे लिए आखिरी दाम क्या करेंगे? बहुत प्यारे दुपट्टे हैं, इसमें काफी वैरायटी है हमारे पास। ये सारी वैरायटी है, ये सारे अलग अलग डिजाइन होते हैं ना सारे। ऐसे एकदम से मेरी नज़र पड़ी इन पे, वाकई तो बहुत खूबसूरत हैं। जो मोर वाला था ना वो दिखा दें वापस से। ये तो तोता है, कितना प्यारा है, तो पैरेट है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। एक तो ये दे दें आप, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये मोर वाला दिखा दें, ये जिसने अगर आप लोगों ने आना है तो ओरिगा के मेन उसमें बाहर ही है ये। और एक ग्रीन ग्रीन कलर का भी था ना ये। ये भी बहुत प्यारा है, इसका वो क्या है, कितना बड़ा है ये? अच्छा छोटा है ये, छोटा है ये। मेरी ओरिगा से शॉपिंग हो गई है, अब मैं जा रही हूँ ऐसी जगह पर जहाँ मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। बताऊँगी नहीं अभी कहाँ जा रही हूँ, आप लोग साथ ही चलिए। जी आप सोचते होंगे हम कहाँ आ गए, ये देखें हम कहाँ आ गए। बहुत से लोगों की ये फरमाइश भी थी कि प्लीज़ बताएं आपा और सुमैरा बर्तन कहाँ से लेते हैं। तो हम लाहौर में काका बाबा पे आ गए हैं, यहाँ से हम काफ़ी सारे बर्तन लेते हैं। ये देखिए हम आ गए बर्तनों के हेवन में, जहाँ के बिल्कुल हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। बल्कि अच्छा है मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे गुल प्लाजा जाना था अपनी वो स्पाइस बोल्स लेने, तो प्रॉबली मुझे यहीं से मिल जाएंगे तो मैं यहीं से ले लूँगी। भाई मुझे वो छोटे स्पाइस बोल्स चाहिए, रैमेकिन जो होते हैं ना छोटे वाले जी, अलग अलग किस्म के जो मेरे पास ये पड़े हैं।
जी ये वाले, ये तो भाई है मेरे पास, ले गई हूँ मैं, ये नई आई है, ये शेप नया आया है। ये आप मुझे 6 6 और 6 दे दें, 6 6 6 स्क्वायर वाले। ये नया शेप आया है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और रेड ये हैं बहुत प्यारे, बट अच्छा इसमें वाइट है ना, ठीक है। तो ये आप मुझे 1800 दे दें, 80। आए आपको और चीज़ें दिखाते हैं, जो जो ये सारी चीज़ें हम यहीं से लेते हैं। ये जो आप लोग तो हमारे प्लैटर्स वगैरह देख रहे होते हैं, ये भी नया है, बल्कि ये मेरे पास नहीं है, ये वाले सारे हैं मेरे पास, ये भी नया आया है, दिस इज आल्सो न्यू। ये वुडन सारे बोर्ड्स आप इधर देखो हैं, ये भी यहाँ से आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। ये सारे ये तो मेरे पास तकरीबन सारे शेप वगैरह हैं। भाई कल ना मैंने फैसलाबाद में एक जगह खाना खाया था, तो वहाँ पर कढ़ाई उन्होंने सर्व की थी, एक ऐसी बड़ी सी अंगीठी टाइप, उस पर उसमें कोयले लगे हुए थे और कढ़ाई में नहीं थी, वो जो प्लेट थी, प्लेट में जो सर्व करते हैं ना बट कढ़ाई में, जैसे वही प्लेट थी पर उसके नीचे वो एक बड़ी सी अलग सा था, उसमें कोयले लगे हुए थे, कोयले जल रहे थे। ये तो हम ले गए, ये तो है, क्योंकि वो मेरे पास वहाँ टाइम नहीं था कि मैं वहाँ जाकर देखती, तो मुझे था कि यहाँ पर मुझे ज़रूर मिल जाएगा वो। जी जी ये तो है, ये तो सारा कुछ हम ले गए। ये भी देखें, ये आप लोग हांडी भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं। बड़े प्यारे प्यारे हैं ये, ये देखें, ये जो मैं यूज़ करती हूँ ये यहाँ के हैं, ये जो मेरे छोटे वाले फ्राई पैन में अपने स्पाइसेस के लिए यूज़ करती हूँ, ये सब मैं यहीं से ले गई थी। ये नए आए इसमें हैं भाई, ये नया कलर है भाई, इसमें भी मुझे 12 दे दें। बॉक्स यहाँ पर की खूबसूरत है, ये हम ले गए थे लास्ट टाइम बट अभी यूज़ नहीं किया, बिकॉज ये यूजुअली मैं अपनी चाइनीज़ कुकिंग में यूज़ करती हूँ, तो इंशाल्लाह चाइनीज़ भी आप लोगों को बहुत जल्द सिखाना है, बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। तो यहाँ पर ये हर साइज़ की वॉक भी मिल रही है, ये बड़ी वाली है चाउमिन के लिए, चावल के लिए, ये ग्रेवी के लिए। ये पहले आपको पता है मैं थाईलैंड से लेके आती थी, अब ये यहाँ भी मिलने लगी। अच्छा जी, मैं अब आ गई हूँ गोल्डन रेस्टोरेंट पे तवा चिकन खाने। बहुत लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा मशहूर है ये चिकन, तो मैंने सोचा जब मैं आई हूँ तो मैं खाऊं और आप लोगों को भी ये, फिर मुझे बड़ा शौक होता है कि जब मैं इस तरह कहीं जाऊं तो वहाँ की स्पेशलिटीज़ खा के और फिर आप लोगों के लिए कराऊँ। पहले ये होता था कि क्लास करवाती थी, अब ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं हमारे कराची वाले, सिंध वाले, अब्रॉड वाले, तो जिनको पंजाब की चीज़ों का इतना नहीं दिल चाहता है खाने का बट रेसिपी नहीं पता होती। तो तवा चिकन का आप सब लोगों को पता है कि कुकूज़ डैन में बड़ी मशहूर हुई, वहाँ जो हमारे बादशाही मॉस्क के पास वाला एरिया है वहाँ हर जगह ये मशहूर है, बट जो पाइनियर्स हैं तवा चिकन को स्टार्ट करने वाले वो ये मेन मार्केट में गोल्डन रेस्टोरेंट है। तो हम यहीं पर आए कि हम ओरिजिनल अभी आपको बताते भी हैं कि कैसे वो बना रहे हैं, और फिर आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्दी सिखाऊंगी। हम इधर आ गए हैं, ये देखें यहाँ पर बन रही है तवा चिकन। अच्छा, तवा चिकन जो है वो सिर्फ चेस्ट पीस से बनती है, लेग से नहीं बनती है।
जी ये देखें यहाँ पर आ गई है हमारी तवा चिकन, जो कि इतनी ज़बरदस्त लग रही है। और उन्होंने सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन के वेजेस इस तरह काट के डाले हैं मसाले में। अब मैं इसको ट्राई करूँगी और फिर ऑब्वियसली इसको एक रिक्रिएट करके और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगी। सो गुड, थोड़ा सा स्पाइसी है और बहुत मज़े की है, वेरी डिफरेंट। तो आप देखें कितना ड्राई है ये, बहुत मज़े की है। अब मैं यहाँ पर आई हूँ MM आलम रोड के कॉर्नर पे, गुलबर्ग ही है ये, आइसलैंड के नाम से। इसके सुना है मैंने कि दही भल्ले यहाँ पर लाहौर में दही बड़ों को दही भल्ले कहा जाता है, हम तो आपको पता है दही बड़े कहते हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं ये ट्राई करती हूँ। एंड हमारे वहाँ फ़र्क ये होता है कि कराची में जो आपने सीखे भी हैं हमारे चैनल पे वो मीठे होते हैं, पंजाब में दही बड़े नमकीन होते हैं। तो ये मैंने एक ऑर्डर किया है, अभी मैं खा के देखती हूँ। यूजुअली मुझे मीठे पसंद है लेकिन मैंने कहा ये इतने मशहूर है यहाँ तो मैं खा के देखती हूँ कि ये कैसे। तो बस अभी ऑर्डर किया है, ये आते हैं तो आपको दिखाते हैं और फिर हम ट्राई करते हैं। ये क्या है भाई, ये दही बल्ले? ओके शुक्रिया। देखिए हमारे दही बल्ले, ये अब मैं खा के और आपको बता दूंगा। ये तो बहुत मजे की है, मुझे लगा था ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी बट नहीं, तो मीठी मीठी है, दही भी ठंडी है, इसकी बहुत मजे की है, वेरी नाइस। जी एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। अब मैं आ गई हूँ लाहौर की मशहूर लिबर्टी मार्केट में। सारा दिन गुजर गया पता ही नहीं लगा इतना यहाँ पर। तो आज मौसम भी आपको बताया था अच्छा था, क्लाउडी था, रेनी था, बारिश हो भी रही थी। यहाँ की मशहूर दुपट्टा गली में लेके जाते हैं जो कि बहुत मशहूर है, वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो दिखाते हैं, साथ ही आपको थोड़ा सा लिबर्टी का राउंड देती हूँ। उससे बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, बहुत सारी अच्छी ट्रेडिशनल सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलें आपको आज लाहौर की लिबर्टी मार्केट भी दिखाते हैं। इतने खूबसूरत हमने कहा आपको दिखा दें उससे और कोल्हापुरी, ये लिबर्टी मार्केट की आई थिंक ये शान है। आ जाए अंदर भी देख लेते हैं। ये देखिए एक से एक वैरायटी है खुशों की, जिनको खुशों का शौक है, एक ज़माने में मुझे भी होता था, एक से एक खुशे हैं यहाँ पर, काम वाले, एम्ब्रॉयडरी, प्लेन, कुंदन भी है। ये तो हमारे टाइम पे होते भी नहीं थे, इतने प्यारे हैं ये कुंदन वाले। बूटा भी है, वाओ बूटे वाले भी है। कोल्हापुरी भी है, सारी वैरायटी है लाहौर, आई थिंक इज पॉपुलर ये इन सारी चीजों के लिए। भाई ये वाले खुद से दिखाएंगे, ऐसी ट्राई करते हैं, मुझे लेना नहीं है, मैं वैसे ही बस ट्राई करके हूँ, शौक है। ये थोड़ा सा बड़ा है, क्या साइज है? मिल जाएंगे, ये साइज दे देंगे, ये साइज 10 साइज है, 10 ना, 8 मेरा 8 है। किसी और में दिखा दूं? अच्छा इस, हाँ जी बिल्कुल दिखा दीजिए, इसमें दिखा दें, ये 8 है। अच्छा वो हम जब पहले पहनते थे तो पांव कटते भी थे इसमें, पैडिंग में कंफर्टेबल चीज है, पैडिंग के साथ इसमें वो ये 8 नंबर है ना, बड़ा कंफर्टेबल है वैसे। लिबर्टी का आपको हमने सारा राउंड दिला दिया, शॉपिंग भी हमारी अच्छी खासी हो गई। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ डिनर करेंगे, तो चलें आप भी हमारे साथ देखें हम यहाँ की क्या स्पेशलिटी खा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जी ये हम आ गए हैं लक्ष्मी चौक पर, और यहाँ पर जब आप आते हैं तो बट कढ़ाई यहाँ की बहुत मशहूर है, लेकिन अब इतनी सारी बट कढ़ाइयाँ यहाँ पर आ गई हैं कि समझ नहीं आता कि
ओरिजिनल कौन है, बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये नदीम बट जो हैं ये लक्ष्मी चौक के सबसे पुराने और सबसे मशहूर हैं फॉर कढ़ाई। बट हम आज कढ़ाई नहीं खाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आज हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या नई चीज़ ट्राई करेंगे। जी, तो जैसे कि आपको पता है कि हम लक्ष्मी चौक पर हैं और यहाँ पर हम आए हैं काका के चॉप्स खाने। यहाँ का मशहूर है चॉप्स का टकाटक। चॉप्स का टकाटक हमने अभी नहीं खाया है ना आप लोगों ने, तो यहाँ पर ये बनते हैं। और किस तरह बनता है, आप अपनी पसंद से चॉप्स को उठा के जितने चाहिए आधा किलो एक किलो आपको लेकर, और फिर आपको घी में, देसी घी में, असली घी में बनवाने हैं वो बनवाएं और फिर ये आपके सामने ही यहाँ पर बना। ये देखें, ये चॉप्स टकाटक बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है और अब मैं इसको ट्राई करूँगी। ये नान भी ना ये उसी तवे पर गरम करते हैं घी में, बट हमने घी में नहीं, हमने बटर में लिया है। लाहौर के खाने सही रिकमेंडेशन थी फॉर मी की, बाकी में बहुत मजे का है, बहुत बहुत मजे का। जी, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर पुरानी अनारकली में। आप भी सोच होंगे कहाँ कहाँ मैं आज आपको लेके फिर रही हूँ। तो जी बिल्कुल, जो जो चीज़ें मैं ऑब्वियसली चाह रही थी कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँ मैं आप लोगों को भी ले जाऊँ, तो यहाँ पर मैं आई हूँ। बहुत पुराना है यूसुफ फालूदा। अच्छा, यहाँ पर पंजाब का लाहौर का फालूदा इज़ डिफरेंट, हमारे वहाँ वो होता है पीने वाला। तो ये फालूदा कहते हैं कुल्फ़ी को और फालूदे की लच्छियों को। तो मुझे ये भी दिल चाह रहा था कि मैं एक चम्मच ये भी चखूँ, तो यू नो पता लगता है कि क्या है क्या नहीं। तो अब ये हम मंगवाते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। ये देखें, ये आ गया है हमारा रबड़ी फालूदा इसको कहते हैं। ये आपको मैंने कहा ना हमारे वहाँ फालूदा पीने का होता है, यहाँ पर ये कुल्फी फालूदे को फालूदा कहते हैं। जी, मैंने चख लिया फालूदा, बहुत मज़े का था, बहुत डिफरेंट था और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, बिल्कुल बैलेंस मीठा था। तो इंशाल्लाह आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, आप लोगों के साथ भी सारी शॉपिंग भी की और खाना पीना भी हुआ। आई होप आपको भी ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।